बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूं 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर ये पहली बार इस उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी। सर यहाँ देश में ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी जो उस समय माननीय सांसद थे उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है ये और पिछले प्रकरणों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं और मिस्टर हीरा नंदानी जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है, पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा और उसमें मिस्टर हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल इस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरा नंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमिटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरा नंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमिटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला और मिस्टर हीरा नंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनसे जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे उसमें मिस्टर हीरा नंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमिटी को दिया है। और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसुलेट जनरल जो दुबई में है उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। इसी के साथ में आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यहाँ बार बार जो बात हो रही है कि नेचुरल जस्टिस की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय जब हम लोग सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पर साइन करता है, हम सब ने साइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में, 4 अलग-अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं, आप माननीय सांसद है, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप खुद 4 अलग-अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है।
हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को यहाँ रिस्पेक्ट करना ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनको पूछने लगाता है, उनकी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उनको चिट्ठियां लिख के देता है, अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उनको लिख के देता है, और इतना ही नहीं, अगर कोई उनको पैसे दे तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन में सवाल पूछते हैं। इस तरह से सभी सांसदों की इस एक इंसिडेंट के कारण छवि खराब हो रही है। मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहूंगी कि माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है, केवल देश में ही नहीं दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। अभी यहाँ पे कोई द्रौपदी का चीरहरण की बात कर रहा है, अलग अलग देवियों का नाम लिया जा रहा है। हम सब यहाँ सांसद है, फीमेल मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम लोग हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम यहाँ आके बैठते हैं। हम यहाँ जब आते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं कि हम ये पार्लियामेंट की मर्यादा रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि के नाते यहाँ आके बैठते, ना कोई प्राइवेट एंटिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बनके। तो मुझे यहाँ आपके माध्यम से यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी बड़े ही विनम्रता से कि यहाँ एथिक्स कमिटी ने रिस्पोंडेंट को भी सुना है, कंप्लेनेंट को भी सुना है, एफिडेविट का भी पूरा यहाँ पे अभ्यास हुआ है और नेचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है, जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी वहाँ पे कमिटी ने पूछा, और जो यहाँ पे बार बार अपमान की बात वो लोग करते हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि मैंने जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफिडेविट प्राप्त हुआ है वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए, उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिनसे उनको ये लगे कि हमारा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे विनम्रता से अनुरोध करूंगी कि कमिटी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ रखे हैं इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए और हमें ये देश को और पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है, हमको ये उनको बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अनएथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है, तो ये सदन वो सदस्य को सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी ये सदन कर सकता है। एंड नोबडी इज अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड। धन्यवाद।